शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। करके भी अगर बुद्धियों बाहर नहीं रहा कि पुत्र पोत्रों के लिए ये ले जाना है, बोले जाना है, थोड़ा शॉपिंग कर ले, तो यहाँ आकर के भी अगर तैयारी नहीं की, वहां तो होनी ही नहीं है उस जंजाल के अंदर, तो तभी तो यहाँ आए। लेकिन यहाँ आकर के भी उन्हें जंजाल में रहे तो तैयारी कब करनी है, कहाँ करनी है? बाबा ने इतनी अच्छी उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया है कि जो साल में मट्टी के हिसाब से या ये मिलन के हिसाब से भी हम इकट्ठा होते हैं, तो संगठन में वो अगर यहाँ नहीं कर पाए तो फिर अकेले में कब करेंगे, वो तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए संगठन का बेनिफिट तो ले, क्योंकि वो वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है, उस वाइब्रेशन में हम बैठ जाते हैं तो हम भी अपने पोशाक की गति को तीव्र कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बाबा ने हम बच्चों को दिया है। लेकिन आज 17,000 आने के बाद भी क्लास में कितने हजार बैठे हैं, प्रैक्टिकल अगर देखो 5,000-6,000 से ज्यादा मुझे नहीं दिखाई देता, तो बाकी 10,000 ना। कल मुझे एक ग्रुप मिला, ग्रुप में आकर के ऐसे ही सामने हो गए, कहा दीदी हमने ना आज देखो घूम के आ गए। मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रही, देखती रही कि यहाँ बाबा के घर में आए हैं या उदयपुर घूमने आए हैं, इसके लिए आए। तो यहाँ भी अगर तैयारी नहीं की, मना अभी बुद्धि योग कहाँ घूम रहा है हमारा, जहाँ बाबा कहते हैं अभी समेटना चालू करो, भगवान ने इशारा दे दिया, उसने समेटना चालू कर दिया, और हम समेटने के बजाय हमारी बुद्धि इधर उधर घूमती रही है, तो हम रिटर्न जाने की तैयारी कब करेंगे? इसीलिए ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि अगर रिटर्न जर्नी पर हूं मैं तो मेरी तैयारी क्या क्या होनी चाहिए। क्योंकि जैसे एक समझदार व्यक्ति यात्रा पर जाने के लिए सब कुछ काम की चीजें रख देता है, ये नहीं कि फिर कह रहे ये तो भूल ही गए हम लाना, ये तो रह ही गया हमारा। दुनिया में फिर भी जर्नी पर जाते हैं तो भाई साबुन पेस्ट आदि जो भी छोड़ दे आप तो ले लेते हैं, लेकिन ये रिटर्न जर्नी की तैयारी में अगर कहीं चूक हो गई तो बाकी आगे क्या मिलने वाला है? आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जिस तरह बाबा कहते हैं अभी समेटना है, माना जैसे हलवा तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देना, छोड़ देता है, ठीक इसी तरह वैराग्य व्यक्ति को अहम तक धारण कर चुके हैं। ये पहली तरह